हाय एवरीवन, ये है आप लोगों के टेंस का वीडियो नंबर 28। बराबर ओके बच्चों, और हम बात कर रहे हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल की। ओके बच्चों, अब जरा आप यहाँ पे देखो, ये मैंने थोड़ा जो गुजराती में लिखा है वो मैं आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करवा दूंगा कि अगर वाक्य में दो क्रिया दी गई हो, उसमें से जो पहली क्रिया बनी हो, पहली घटना बनी हो, उसके लिए पूर्ण भूतकाल, और तुरंत ही जो दूसरी क्रिया हुई हो, दूसरी घटना बनी हो, उसके लिए साधा भूतकाल का उपयोग किया जाता है। अगर आपको गुजराती में समझ आए तो गुजराती में समझना, हिंदी में समझ आए तो हिंदी में समझना। इसमें वैन, आफ्टर, बिफोर, अगो जैसे वर्ड्स का उपयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में आएंगे, कभी कभी वाक्य के शुरुआत में भी आ सकते हैं। बराबर, एग्जाम्पल नंबर एक, वैन द पुलिस केम, देखना केम साधा भूतकाल, द थीफ हैड एस्केप्ड, जब पुलिस आई तब चोर भाग गया था, बचकर निकल गया था। तो इस वाक्य में दो घटना घटित हुई, पुलिस के आने की क्रिया और चोर के बचकर निकल जाने की क्रिया। तो पहली क्रिया कौन सी बनी? चोर के भाग जाने की क्रिया, बचकर निकल जाने की क्रिया। तो आई पूर्ण भूतकाल में हैड प्लस V3, और उसके बाद पुलिस आई। बराबर, तो कम का भूतकाल केम, कम केम कम, V1 V2 V3, ये V2 है, ये साधा भूतकाल। दूसरी बात, इस प्रकार के वाक्य को आप लोगों को प्रश्नार्थ और नकार में नहीं कन्वर्ट करना है। ये वाक्य के द्वारा समझ में आया बेटा? जब वो पुलिस आई तब चोर भाग गया था, तो पहली क्रिया चोर के भाग जाने की क्रिया पूर्ण भूतकाल में हैड प्लस एस्केप्ड, दूसरी क्रिया पुलिस के आने की क्रिया कम का भूतकाल केम। वाक्य नंबर दो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर यानी पहले, पेशेंट मर गया था। पहली क्रिया पेशेंट के मर जाने की क्रिया हेड प्लस V3, और दूसरी क्रिया डॉक्टर के आने की। तो जो पहली क्रिया है वो पूर्ण भूतकाल में आई, दूसरी क्रिया है वो साधे भूतकाल में आई। बराबर, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहली क्रिया है वो वाक्य में पहले आए, वो दूसरी क्रिया है वो बाद में, ऐसा जरूरी नहीं है। वो वाक्य की रचना पर आधारित रहता है कि वाक्य किस प्रकार के, उस पर आधारित रहता है। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई पापा केम, मेरे पापा के आने से पहले मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर दिया था। बराबर, तो दो घटना घटी बेटा, पापा के आने की और होमवर्क पूरा करने की। इसमें पहली घटना कौन सी हुई? मेरा होमवर्क पूरा करने की क्रिया, जो पूर्ण भूतकाल में आया, और उसके बाद पापा आते हैं। बराबर, तो मैं पापा के, इस वाक्य को मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूं कि बिफोर के बदले हम आफ्टर का उपयोग कर सकते हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क आफ्टर माई पापा केम। बराबर, मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर दिया, आफ्टर उसके बाद माई पापा केम, मेरे पापा आए। बराबर, तो जो पहली क्रिया आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क पूर्ण भूतकाल, आफ्टर उसके बाद माई पापा केम, दूसरी क्रिया पापा के आने की क्रिया। बराबर, और पहली क्रिया माटे पूर्ण भूतकाल अने बीजी क्रिया माटे साधो भूतकाल। बराबर, એટલે इसमें क्या है बेटा कि बीच में कौन सा वर्ड उपयोग किया गया है, बिफोर, आफ्टर या अगो या वेन, उसके ऊपर से वाक्य का क्रम निश्चित होता है, और आपको ट्रांसलेट भी ध्यान से करना है। बराबर, कि ट्रांसलेट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार से पहली और दूसरी क्रिया को आपको सेट करना है। लेकिन याद सिर्फ इतना रखना है
કે પહેલી ક્રિયા માટે પૂર્ણ ભૂતકાળ અને બીજી બનેલી ક્રિયા માટે સાદો ભૂતકાળ. ચોથા વાક્ય, વેન આઈ રીચ ધ સ્ટેશન ધ ટ્રેન હેડ લેફ્ટ ધ સ્ટેશન. જબ મેં સ્ટેશન પહોંચા તબ ટ્રેન નિકલ ચૂકી હતી, ટ્રેનને સ્ટેશન છોડ દીધા હતા. બરાબર, તો પહેલી ક્રિયા કોણ સી બની? ટ્રેન કે નિકલ જાને કી ક્રિયા, હેડ લેફ્ટ. દૂસરી ક્રિયા કોણ સી બની? આપકે સ્ટેશન પહોંચને કી ક્રિયા, યાની રીચડ. આ પહેલી ક્રિયા છે હેડ લેફ્ટ, પહેલે ટ્રેન નિકલ ગઈ તો હેડ લેફ્ટ. બરાબર, દૂસરી ક્રિયા આપકે સ્ટેશન પહોંચને કી ક્રિયા. ઓકે બચ્ચો, ઓર આગે કી થિયરી, આગે કી જાણકારી મેં આપ લોગો કો નેક્સ્ટ વિડિયો મેં દૂંગા. ઠીક હૈ, કહીં કહીં ભી જાયેગા મત.